नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की जो यात्रा है गोरखपुर में है, और गोरखपुर में बहुत ज़रूरी काम होता है टेराकोटा का, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी गिना गया है, और आयुष जी का मोबाइल बसता रहता है वीडियो के बीच में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें हैं, टेराकोटा का काम है, और हम लोग इस औरंगाबाद गाँव में आए हैं। जो मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़िए तो 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव पड़ता है शहर से लगभग। तो साथ में भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा लक्ष्मीचंद प्रजापति नाम है। लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी हैं हमारे साथ, और लक्ष्मीचंद जी बताएंगे कि टेराकोटा का काम इतिहास शुरू कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कैसे अभी कितने कितने लोग हैं, क्योंकि मुझे बड़ी किस्से कहानियां गोरखपुर में सुनने को मिल चुकी हैं। मुझे पता चल चुका है कि आप लोग कहाँ कहाँ का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर एक जेरी दिखा पाइए तो पीछे अभी देखिए, वो काम शुरू होने की प्रोसेस में है, वहाँ पर मिट्टी सानी जा रही है ना सर, वो मिट्टी सान रहे ना वो जो। हाँ, तो लक्ष्मी जी काम की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, अब शुरुआत तो मैं बता रहा हूँ, 1904 में हमारे बाबा जी विजय प्रसाद, वो रहने वाले तो अस्थाई निवासी, वो खजनी के पास रिक्शा नारा गांव है, शायद आप लोग जानते होंगे, वहीं के रहने वाले थे। और हमारे दादाजी दो भाई थे, तो हमारे जो बाबा जी थे विजयी, वो बचपन में ही 12-14 साल के उम्र में ही वो अपने गांव छोड़ करके और चले आए इधर आए, और यहाँ जो है ये राम सूरत उपाध्याय जी का जमींदारी था, उनसे थोड़ा सा ज़मीन मांग करके वो यहाँ झोपड़ी ओपड़ी डाल के अपना चुक्कड़ कुल्हड़ हड़िया पत्की बनाना शुरू किया। किस साल की बात है ये? 1904 के दशक में, 4 के आसपास की। जी, आपके पिताजी? नहीं, हमारे दादाजी। सॉरी, हाँ। तो वो ऐसे करते थे और सोखा भी थे, तो सोखाई भी करते थे। सोखाई मतलब? सोखा ओझा आप जानते हैं ना, सोखा तंत्र मंत्र। अच्छा, तंत्र मंत्र, ठीक है, वो मतलब झाड़ फूक। अच्छी जानकारी, सोखाई ओझाई। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो वो इतना मतलब सोखाइती में बहुत एक्सपर्ट थे कि वो सोए थे एक दिन रात में, उनकी देवी जी बोली कि इससे तुम्हारा गुजर नहीं होगा, तुम कुम्हार हो और दूसरा कारोबार स्टार्ट करो। तो बोले कि अरे माता जी, हम और कुछ जानते ही नहीं हैं, कुल्हड़ बट्टा जानते हैं और तो कुछ नहीं जानते हैं। कहना नहीं, अच्छा, यही पोखरा है जहाँ हम बसे हैं, ये पोखरा पीछे एक पोखरा है। हाँ, बताए, मुझे पता चला ये जंगल झाड़ था। हाँ। देवी जी बोली कि उससे तुम मिट्टी निकालो। हाँ। और कारोबार स्टार्ट करो। हाँ। और हाथी घोड़ा बनाओ। हाँ। देवी देवता के स्थान पर चढ़ाने वाला, और जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा इतना प्रचार होगा, इतना लोग ले जाएंगे। हाँ। कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। अच्छा, तो ऐसे ही किए वो। अच्छा, ऐसे ही स्टार्ट किए। हाँ। और हुआ ये कि धीरे 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 इतना प्रचार बढ़ गया कि सारे सोखा ओखा लोग आते थे और यहाँ से खरीद करके ले जाके देवी देवता के स्थान पर रखते थे। ऐसे करते धरते 2-4-10 साल चला। उसके बाद ये यहीं बगल में अशरकपुर गांव है, हमारे दादाजी शादी की, अपना शादी की। सीखे कैसे वो बनाना? कुछ नहीं, माता जी जैसे जैसे इनको बोलती थी। खुद से ही सीखे बनाना? बिल्कुल। चाक वाक चलाना कैसे सीखे है? सब कुछ। तो मिट्टी विट्टी इसी पोखरे से आया? इसी पोखरे से लेते थे। क्योंकि मुझे कुछ लोग बताया कि आप लोग इतने सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो मिट्टी इसी पोखरे से लेना है, कि पोखरे की गहराई भी बढ़ती जाती है साल दर साल उसी से। हाँ। तो क्या प्रोसेस होता है सर, वहाँ से आप लोग निकालते हैं मिट्टी? हाँ, तो अभी तो हम जो बता रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ। करेंगे सबके बारे में बात करेंगे। हाँ, उसका प्रोसेस ये शुरू यहाँ से हुआ, या आपने बता दिया जी। अब ये बताइए कि पहले हम क्योंकि बन भी रहा है तो बनता हुआ भी देख लें। हाँ। तो आप लोगों मिट्टी निकालते हैं पोखरे से? अब ये मई जून में पोखरा सूखता है, तालाब सूख जाएगा। अच्छा। तो उस समय हम मिट्टी को खोद करके निकालेंगे और पूरे साल की मिट्टी स्टोर कर लेंगे। साल भर के लिए कितना कुंटल कितना निकालते हैं? अब देखिए, ये अंदाजा नहीं, 500 ट्रक मिट्टी निकलती है हमारे पूरे खानदान के काम करने के लिए। 50 ट्रक से कम नहीं निकलती मिट्टी। अच्छा। और स्टोर हो जाता है, वो पूरे साल काम होता है उससे। अब उस मिट्टी को, सूखी मिट्टी यही है, जैसे हम निकाल के ये रख दिए, अब इसको हम शाम को भिगो देंगे। और भिगोने के बाद फिर इसको लहछुर, हम लहछुर बोलते हैं, लोहे का होता है, उससे इकट्ठा करके उससे बारीक कटाई करेंगे। अच्छा। जब कटाई करेंगे
तो उसमें जो कंकड़ पत्थर रहेगा वो निकलता जाएगा, हाथ में आ जाएगा, निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर उसको इस मशीन में डालेंगे, ये जो हमारी पग मिल मशीन है, ये आप देखिए सामने जी, क्या होता है इसमें, इसमें उस मिट्टी को डालेंगे। हाँ ये देखिए, अच्छा ये सानने के लिए एक तरह से सनाई कर देगा। हाँ अब ये दो बार हम इसमें डालेंगे, ये मिट्टी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। जैसे वो आप देखे हैं ना, वही इसी का मिट्टी था वो निकाला हुआ। अच्छा अब वो उस पर बैठ के चाहे जो भी, अब काम करने के लिए मिट्टी तैयार है आपकी, तैयार हो गई। अब उसके बाद मान लीजिए वो फ्लावर वास बना रहा है। अच्छा ये जो बनाया है ये फ्लावर वास है, वो जो बना रहा है वो हाथी का या पैर कह लीजिए हाथी का। अच्छा क्या बना रहे हो? हाँ क्या बना रहे हैं? हाथी का पैर है वो, हाथी का पैर, बड़े हाथी का ये होगी 20। एक 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 पैर बनाए हैं जी, एक पैर बनाए, ये उसका पेट है, ये पेट बना रहा है। हाँ ये पेट बना रहे हैं। अभी एक पैर आपको नमूना दिखाया है, ऐसे हम चार पैर बनाएंगे। और ये जो पेट है, ये पेट की साइज ये तो छोटा बनाया है, ये 12 इंच की हाथी तैयार होगी। ठीक है ये देखिए, ये इतनी बड़ी हाथी होगी। अभी इसका हेड, इसका सर लगेगा। अच्छा सर लगेगा, उसका आँख ओख सब कुछ हाथ ही का काम है, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं है। हाँ। टोटल हाथ से बना 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 के। ये जो डिजाइन विजाइन बनाए वो सब कैसे बनाए हैं? ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है वो हम एक मूल बना लेंगे। मूल तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब नमूना, मतलब एक नमूना बना लिए, एक नमूना बना के डाई बना लिए, डाई टाइप का। और उसका फिर हम डाई बना लेंगे। हाँ। क्योंकि उसमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तो हमारा समय निकल जाएगा। हाँ, मतलब उतना देर में एक हर डिजाइन हाथ से बनाना शुरू। हाँ। करेंगे ऐसे, तो इसलिए डाई बना लिए, डाई से बनाते चले। वो जो बगल है और ये किए, हाँ ये इसका सर है और वो उसका सूंड है। अब वो ज्वाइंट होगा तब ये धीरे धीरे, फिर कान लगेगा, आँख लगेगा, तब ये बनेगा। अच्छा अब ये है कि हम उसको जहाँ ज़रूरी है वहीं लगाएंगे, हर जगह नहीं लगाएंगे। बाकी ये अगल बगल जो आप देख रहे हैं वो घुंघरू बना के हाथ से ही बनाया जाता है, बना के फिक्स किया जाता है। ये पट्टी है ये भी हाथ से ही बना के, ये जो है मतलब जो कुछ भी है टोटल हाथ का ही वर्क है, कोई दूसरा नहीं। अब हम अब वहाँ चल रहे हैं कि मिट्टी हम भिगो के उसमें डाल दिए, तैयार हो गया, तैयार हो गया मिट्टी और चाक पर चलाने के लिए तैयार हो गया। हाँ। अब इस पर से हम क्या हमको बनाना है, ये हमको ढूंढना नहीं है। मान लीजिए हमारा जो डिमांड है, बाहर का डिमांड जो है, मान लीजिए 100 पीस हमको हाथी का डिमांड मिला है, तो एक साइज का हम हाथी तैयार करेंगे। पहले हाथी तैयार कर लेंगे, घोड़ा तैयार कर लेंगे, हिरन तैयार कर लेंगे, ऊँट तैयार, मतलब सभी जानवर। प्लांटर्स है, प्लांटर्स, टेबल, बग्गी, रथ गाड़ी, पालकी, मतलब जो कुछ भी है हम वो डिमांड के अनुसार से बनाते जाएंगे। और बना बना के, मतलब एक आदमी तो नहीं बना सकता। हाँ। पूरी फैमिली इसमें लगी रहती है, ये काम पूरा टोटल आपका परिवार कर रहा है जी। अब इसमें जैसे इनका काम है ये बना रहे हैं, लेडीजों का काम है उसमें डिजाइन करना। अच्छा बारीक काम, मतलब पुरुष पुरुष नहीं करेंगे, वो महिलाएं करेंगी। हाँ पुरुष करेगा तो उसमें लगा ही रह जाएगा, क्योंकि उसको बॉडी बनाना है जल्दी जल्दी, जैसे 100 पीस हाथी का बॉडी। मोटा काम मतलब पुरुष करेंगे, महीन काम महिलाएं करेंगी। अब महिलाएं नहीं है, अगर डिटेलिंग ज़्यादा महिलाओं के हाथ में, तो अगर महिला नहीं है उस समय तो मजबूरी है कि जेंट्स को ही दोनों काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा काम होता जाता है, और हम इसको धूप में डायरेक्ट रखेंगे नहीं, बनता जाएगा और अंदर स्टोर होता जाएगा। इसमें ये स्टोर है आपका जी, देख सकते हैं बिल्कुल। अब वो यहीं ये सूखेगा आइटम, बाहर नहीं जाएगा। और अंदर ही देखिए बना हुआ है, अंदर ही ये जब सूख जाएगा बिल्कुल, तब ये जो है बाहर निकाल के भट्टी में जाएगा। अब भट्टी में जाएगा तो उस समय पूरी भट्टी का माल होना चाहिए, तब जाएगा। एक भट्टी में कितना जाता है एक बार में? अब एक बार में अब आप समझ जाइए कि एक ट्रॉली माल एक भट्टी में तैयार होता है। अभी भट्टी में जाने के पहले यहाँ पर रखा हुआ है ना ये सब? नहीं, ये तो अभी फाइनल हुआ नहीं है। अच्छा अभी तो ये सब इधर जो रखा है, ये मूर्तियाँ जो रखी हैं, इसका सर लगेगा,
सर लगेगा सर और सूंड रखा है जी। अभी ये सब डिजाइन करना है इस पे, ये सब नक्काशी जितने हैं ये सारे करने हैं, और जब ये ज्वाइंट कर लेंगे वो सर, ये सब भी छोटा छोटा बड़ा हुआ है ना सर, इसीलिए ये देखिए ये जो लगा है ना वो वही चीज है बना बना के। ये उठा सकते हैं? बिल्कुल देखिए ना, अभी भी नम है, कभी ठंड। हाँ वो अभी यही लगाया गया है ना, ये सब ये फूल पत्ती है जी, यहाँ पे ऐसे लगाया गया है, दबा दिया होगा लगा के, पानी लगा करके यहाँ लगाने के लिए है। देखिए वहाँ तो लग गया है, ये चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप दे करके बस अंगूठा से। बड़ा महीन काम होता होगा, मट्टी कच्ची है तो टूट सकता होगा? नहीं ये टूटेगा नहीं। नहीं आप बनाने में मान लीजिए ज्यादा दूर से दबा दिया टूट गया हाथ से, ऐसा नहीं है। ये देखिए सर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, बस अच्छा ये सही है, मिट्टी का काम है तो पानी से ही सारा काम हो जा रहा है ना। हाँ। पानी से गीला किया फिर से चपकाने के लिए तैयार, ये लग जाएगा। अच्छा उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तो अंदर ही रहेगा, फिर दूसरा आइटम तैयार करेंगे। इस तरीके से बनाते चले जाएंगे, चाहे जो कुछ भी, कछुआ हुआ, मछली हुआ, कोई शिल्प मेले वगैरह में जो बिकता है शहरों वहरों में यहीं का बना हुआ होता है जी। यहाँ देखिए चिनहट लखनऊ कहीं भी आप देखेंगे तो यहीं से माल उठाते हैं, ट्रक का माल उठाएंगे, चिनहट का माल आप देखे होंगे वहाँ मोल्ट का आइटम बनाते हैं मोल्ट से जी। लेकिन जो ये आइटम आप पाएंगे कहीं भी वो औरंगाबाद का माल होगा, गोरखपुर। औरंगाबाद मतलब गोरखपुर का, यहाँ से ट्रक। इधर भी कुछ बन रहा था, वो बना रहे थे, बड़ा बारीक काम कर रहे थे अभी, उन्होंने देखे थे। ये क्या बना रहे हैं? मोर्टेबल। अब ये मोर्टेबल है। अच्छा ये अब जैसे चाक आप देखे ना तो ये तीन पार्ट में है। अच्छा एक नीचे का बेस, वो बीच वाला जो है, तीसरा ये मुंह और चौथा ये प्लेट। ये प्लेट यहाँ जो रखी हुई बना के ना जी, तो ये प्लेट तो ऐसे फ्लैट करके बनाया जाता है। और उस पर कितना देर पकाना पड़ता है फिर जब बना लिया आपने? कितना देर पकाना पड़ता है? देखिए सर 36 घंटे भट्टी में लगते हैं। 36 घंटे शाम को हम लगाएंगे भट्टी, तो रात भर और कल दिन भर, कल शाम तक जाके ये पूरी बेग में आ जाएगी भट्टी, और फिर रात भर शांत होके सुबह निकाल लिया जाएगा भट्टी, ठंडा हो जाएगा। ये चीज़ है, ये प्रोसेस है। इसी तरीके से आप देखिए जैसे वो उरली बना है, वो आपके सामने उरली, उरली जी, ये देखिए ये उरली है। अच्छा ये देखिए ये शोपीस टाइप का आइटम लग रहा है ना, बंकुरा पॉट है। बंकुरा पॉट? हाँ ये गमला, एक तरह से गमला है समझिए। वो प्लांट लगाने के लिए हाँ। वो बहुत सारे लोग ले जाते हैं। ये कहाँ कहाँ जाता है आपका सामान, आप लोग का बनाया हुआ? इसमें मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर, बम्बई, पूना, अहमदाबाद, बड़ौदा, नासिक, नागपुर, भोपाल, जयपुर, दिल्ली, आगरा, और इधर आपके कलकत्ता, मतलब हर जगह हम लोगों का सामान जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक दो सामान नहीं, फुटकर से हम लोगों का कुछ नहीं होता है, थोक खरीदार आते हैं और यहाँ पूरी ट्रक भर करके ले जाते हैं, और वहाँ ले जा करके वो अपना बेचते हैं। अच्छा ये तो ठीक भी है। अब ये मेरा पूछना है इसमें कि आप लोग भेजते हैं, मुझे पता चला कि आपके भाई हैं वो गुलाब जी? जी। बड़े भाई? जी मुझसे बड़े हैं। अच्छा कितने भाई हैं आप लोग? हम चार भाई हैं। आपके दादाजी ने शुरू किया फिर आपके पिताजी आए? हमारे दादाजी शुरू किए और यहीं बगल अशरफपुर में शादी किए, और जब उनका परिवार हो गया तो उनके पहले पुत्र हुए सुखराज जी, हमारे बड़े दादा, बड़े पिताजी सुखराज हुए। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे पिता रामदेव जी हुए, उसके बाद सबसे छोटे हमारे चचा जो थे श्यामदेव जी। अब उनके वो तीन पुत्र हुए, तो तीनों पुत्र को अपने साथ लेकर के वो इस व्यवसाय में लगे, और ये होते होते
मतलब सोखा ओझा वाला सामान इतना हाई लेवल पर पहुंच गया कि दिन दिन भर लोग काम करते थे, पेंटिंग वाले पेंट करते थे और भीड़ लगी रहती थी। अब ये हुआ कि अब इसमें बदलाव कैसे हुआ, ये 1966 में 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गोरखपुर शायद आए हुए थे और उस समय डीएम वहाँ के थे गोरखपुर के, उनसे उन्होंने पूछा होगा कि ये चीज़ कहाँ का है। वहाँ रखी थी हौददार हाथी जिस पे देवी की सवारी थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ रखी थी तो उन्होंने पूछा ये कहाँ का आइटम है, तो बोले कि सर यहीं प्रॉपर 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव है, वहाँ लोग बनाते हैं। तो कहना कि हम देखना चाहते हैं उस कहना जी। अच्छा। तो उस समय वो बग्गी के द्वारा। अच्छा। क्योंकि रोड वोड नहीं था, बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब ही था, तो उस समय बग्गी के द्वारा उनको लाया गया यहाँ। तो यहाँ जब आए तो हमारे दादाजी को बुलवाए, बड़े पिताजी को सुखराज जी को, वही होशियार थे, तो बुलवाए तो कहे कि सुखराज जी हम आपको कुछ देने आए हैं। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पहले की परंपरा थी कि लोग बहुत डरते थे, अंग्रेज हाथ कटवा लेता था, ये भावना थी। तो हमारे बड़े पिताजी कहे कि देखिए हमको कुछ चाहिए नहीं, हम अपने हाथ के बल पर जो कर रहे हैं वही हमको अच्छा है। कहें अरे आप डरिए नहीं, आप मांगिए मुझसे क्या चाहते हैं, जो आप मांगेंगे हम देंगे। अच्छा। कहें नहीं सर हम नहीं माने। तो इस गांव में एक सुरेंद्र प्रताप सिंह थे पढ़े लिखे, उनको बुलवाया गया, तो उनको वो इंग्लिश में अपना बात करते गए, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बड़े पिताजी से कहे कि आप पछताएंगे एक दिन, और आपको मदद के लिए सरकार आए हैं तो आप कुछ ले लीजिए। आपके बड़े मतलब नेहरू जी दरवाजे पर खड़े थे, मदद देना चाह रहे थे और न आपके बड़े पिताजी ने बार बार इनकार कर रहे थे और इनकार करते ही गए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा। तो कहना कि अच्छा ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो आप हमारी एक थोड़ा निवेदन मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। कहना हाँ बताइए। कहना आप दिल्ली आ सकते हैं। कहना नाई साहब हम आज आप दिल्ली तो हमारे हाथ वो कटवा ले जाए। कहना ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है, मैं रहने वहने खाने पीने का सारा व्यवस्था कर दूंगा, और मेरे लिए आप जितनी बड़ी बना सकते हैं हौददार हाथी बनाइए। अच्छा जी, नेहरू जी ने कहा। तो वो उस समय उनके बुलावे पर यहाँ के डीएम वम व्यवस्था किए, अपना गए वहाँ गए और 5 फीट ऊंची हौददार हाथी बनाए। अच्छा। माता जी भी थी हमारी, बड़ी माता और बड़े पिताजी दोनों गए, 6 महीने वहाँ थे, 6 महीने थे, और वहाँ रह करके हौददार हाथी तैयार किए, और वहाँ राव मटेरियल का सारा सरकारी व्यवस्था था ही उपलब्ध हुआ, और वहीं वो अपना भट्टी लगाए और लगा करके उसके पकाए, और पकाने के बाद जो है नेहरू जी बहुत खुश हुए, उसी पर इनको नेशनल अवार्ड दिलवाया, राष्ट्रपति पुरस्कार। उसके बाद आगे बढ़ी कहानी आप लोगों के परिवार। अब जब वो अवार्ड मिल गया तब वहीं से विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा टेराकोटा का एक स्कीम बनी। अच्छा। टेराकोटा का एक स्कीम बनी कि भाई इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के थ्रू बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ये व्यवसाय आगे बढ़े। तो वहीं से वो बनी और हर साल यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, पहले 1 साल का, तो उसमें हमारे खानदान के पहले तो अगल बगल के लोग मिलते नहीं थे, तो हमारे खानदान से जितने बच्चे थे कई बार में सब अपना ट्रेनिंग ले करके सीखे, और उसके बाद अगल बगल धीरे 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 अगल बगल के गांव में आज हमारे खानदान में 14 लोग हम लोग प्रादेशिक पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं टेराकोटा के काम पर ही। जी सब ये बड़ा नया अपने आम आइटम इधर देख लिया जाए बात करते करते। कछुआ है ये ना, कछुआ लैंप टाइप का ये कुछ नहीं, ये कछुआ पॉट है। पॉट है जी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। कछुआ पॉट है। हाँ। ये घोड़ा रथ है। रथ है। हाँ। जी अरे ये बहुत बड़ा बड़ा घोड़ा है ये तो। हाँ ये जो है वो फोल्डिंग पर है, वहाँ से गर्दन से अभी निकल जाएगा। जी निकल जाएगा वो। अच्छा। हाँ
पैकिंग के लिए अलग कर लेंगे जी। अच्छा अब वो देखिए चौकीदार है, वो चौकीदार है, लालटेन लेकर के चौकीदार, उसके हाथ में अभी भाला आएगा। अच्छा ये पाइप वाइप लगा हुआ है इसमें ना, ऊपर से पानी आएगा, सब लेवल करके गिरेगा नीचे, और उसमें मोटर नीचे फिट हो जाता है और वो पानी उसमें हाँ सब में नीचे गिरेगा, बड़ा अच्छा लगता है। गणेश जी की मूर्ति बनी, वो म्यूजिक से म्यूजिक मैन, वो म्यूजिक मैन है, तो उसमें होता है पांच इंस्ट्रूमेंट अलग अलग रहेगा, पांच यंत्र हैं, पांच मूर्तियां हैं जी। अब ये टेबल है देखिए, हाथी टेबल, ये 18 इंच की टेबल है बड़ी वाली, ये छोटी टेबल है, ये 12 इंच की टेबल है, ये ऐसे ही हर चीज है उधर हमारे वहाँ। ये पीछे इसके जो है वो बग्गी रखी हुई है, बग्गी रखी हुई है। अच्छा फिर आप लोगों को, आपके भाई गोपाल जी तो सुनते हैं बड़ा विदेश भी गए कोई सामान, मैं बता रहा हूँ ये 1982 में भारत सरकार द्वारा फेस्टिवल ऑफ इंडिया लगा था लंदन में। अच्छा तो वहाँ गए थे, वहाँ 4 महीने ये थे, और लंदन के 4 महानगरों में, लंदन, स्कॉटलैंड, ब्रेडफोर्ड और कार्डिफ, सैफील्ड, 4 महानगर और लंदन को लेके मतलब 5 जगह ये वहाँ अपने कलाकृति का डिमॉन्स्ट्रेशन दिए और सजीव प्रदर्शन, और वहाँ से मतलब कई अवार्ड भी पाए। और उसके बाद 88 में हॉलैंड गए, हॉलैंड 1 महीने के लिए गए, वहाँ भी भारत महोत्सव में। आप लोग का फुल टाइम काम यही है ना? हाँ, और 1986 में हम एशिया रीजनल आर्टिजन वर्कशॉप ढाका बांग्लादेश मैं खुद गया था भारत सरकार के खर्चे पर। तो हमारे वहाँ हमारे एक बड़े पिताजी के लड़के सबसे छोटे थे शिवशंकर, वो भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया बेल्जियम गए थे 1986 में ही, वो भी गए थे 86 में, हम भी गए थे 86 में, वो भी गए थे, वो बेल्जियम गए थे, हम ढाका गए थे। अच्छा जब किसी को सीखना उखना हो तो आप लोग सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं जैसे आप बता रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा मान लीजिए हमको सीखना हो तो क्या करेंगे हम? देखिए अब ये एक अलग प्रोसेस है, अब तो ऑनलाइन हो गया है भारत सरकार, ऑनलाइन वाला समझ रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, सेंटर सेलेक्ट कीजिए, पैसा जमा कीजिए, सीख लीजिए। अब हम लक्ष्मीचंद जी के घर में हैं, गुलाब जी के घर में हैं, हमको आप ही से सीखना है तो आप सिखाएंगे? मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पे आए सीख ले ऐसा कोई? जैसे हम बैठ के काम कर रहे हैं, आप बैठ करके देखिए, सीखिए, काम करिए, ऐसे ही ना होता है? अब हाथ पकड़ के तो कोई कराता नहीं है, हाँ कैसे बनता है, कैसे चाक पर जाएंगे, कैसे मिट्टी रखेंगे, कैसे गढ़ेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे। अब जैसे ट्रेनिंग चलता है, ट्रेनिंग में भी यही प्रोसेस है कि मिट्टी खोदने से लेके बनाने तक, और बनाने से चाक पर, चाक से फिर क्या बना रहे हैं। तो ट्रेनिंग में ये होता है कि जो बहुत दिलचस्पी लेते हैं बच्चे, वो 6 महीने में कुछ लाइक तो निकल जाते हैं। जैसे अब यहाँ से देखिए, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके भरवलिया, अशरकपुर, हाफिज नगर, गुलरिया, जंगल कला, पादरी बाजार, बेलवा रायपुर, ये सारे गांव में फैले हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, जो बना रहे हैं अगर उनका बाहर नहीं जा रहा है तो कच्चा ही सामान हम लोगों को बेच देते हैं, कच्चा सामान हमारे वहाँ आ जाता है और हम लोग पका करके बाहर भेज देते हैं। विदेश में भी जाता है? विदेश में देखिए हम लोग नहीं भेजते, अपने खुद नहीं भेज सकते, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हमारे वहाँ से जो ट्रक का माल उठ रहा है, मान लीजिए पूना जा रहा है, वो व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी आपसे मंगवा लिया, व्यापारी को जहाँ जो भेजना है वो भी है। अच्छा ये जो बड़ा वाला घोड़ा है कितने का बिकेगा मतलब मार्केट में? ये 1200 का है। मतलब ये आपका दाम है 1200 की? मतलब ये मार्केट में मेरा मार्केट में मार्केट का आपको नहीं पता, ना जाएगा तो कम से कम 3000 से ऊपर का होगा जी। ऐसे ही है हर चीज का हमारे वहाँ। गांव भी देखा जाए, गांव भी देख लिया जाए अगर आपके पास समय हो तो, 2 मिनट। तो अब गांव में कुल कितने घर हैं औरंगाबाद में? देखिए अभी तो यहाँ करीब 25 परिवार हो गया। अच्छा अब मान लीजिए हमारे ही भाई में हम लोग 4 अलग अलग हो गए, 4 परिवार हो गए,
बड़े भैया के लड़के अलग हो गए तो वो भी बंट गए, लेकिन व्यवसाय यही है, रोजी रोटी यही है, टेरा कोटा कमाई हो जाता है इसे ठीक ठाक। देखिए सर, अब आपसे कोई बड़ाई नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं था खेती बाड़ी, इसी टेरा कोटा का देन है कि सबके पास खेती, सबके पास मकान, बच्चों का पढ़ाई लिखाई। अब देख लीजिए, आम बात है, मोटरसाइकिल घोड़ा गाड़ी सब कुछ सबके पास है, ऐसा नहीं है। टेराकोटा के काम से ही आया है। सब टेराकोटा के काम से। और सरकार का सहयोग कितना रहता है इसमें लक्ष्मीचंद जी? अब देखिए सर, सरकार का सहयोग इतना ही है कि 2000 में हमने इस समूह का गठन किया था, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के नाम से। इसमें हमारे परिवार से 12 लोग हैं मेम्बर, और मैंने सरकार से क्या क्या फ़ायदा लिया कि सबसे पहले तो वर्कशीट का 12 लाख रुपया सरकार ने वर्कशीट बनवाने के लिए दिया, वर्कशीट बना, और 10,51,000 रुपया उसके पीछे जो पोखरा हम लोगों का है, अतिक्रमण हो रहा था, उसके सुंदरीकरण के लिए दिया, और 57 लाख रुपया तो इस पीच रोड पर, ये पीच रोड नहीं था तब, कच्चा रोड था, तो इस पर सरकार ने खर्च किया एक साथ। उसके बाद 2011-12 में मैं ऊपर भंडारण के लिए फिर डिमांड किया, ऊपर जो आप देख रहे हैं 2 मंजिला, तो 15 लाख का वो फिर बना। 2006 में मैंने फिर डिमांड किया था, तो हमारा रिसर्च सेंटर वो जो आज अभी जांच में आए थे लोग, वो एकदम ध्वस्तीकरण पर आ गया है, तो उसको मैंने दिया था DM को, तो उसके लिए लिखा पढ़ी हो रहा है। ये भी घर पे बन रहा है ना टेराकोटा का? हाँ, सब हमारे खानदान रिश्तेदारी है सब जगह। जी जी, सब हाँ रिश्तेदार, कोई नहीं, सब अपने खानदान के हैं। आपके खानदान के ही हैं? जी जी, सब खानदान ही हैं। कोई यहाँ बनाता है, इनका भी वहाँ है। अच्छा, क्या बना रहे हैं चाचा? ये हाथी वाला टेबल है क्या? छोटा टेबल 6 इंच का। 6 इंच का? 6 इंच का। कितना देर लगेगा एक टेबल तैयार करने में? ये काली से बीड़ल बाटी हमन, मौसम थोड़ा काली से लगल बड़े में। हाँ अच्छा, तो एक ही टेबल नहीं ने, 20 टेबल है। एक सेकंड, और 20 टेबल है। हाँ, कल से नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं? कल से भिड़े हैं ना टेबल में। कल से कल काली से बीड़ल बाइन। हाँ, खेती बाड़ी काम चल रहा है, शादी ब्याह का काम चल रहा है। हाँ, शादी ब्याह के उसमें थोड़ा काम कम हो रहा है। हाँ, गलत कर रहे हैं। ऑर्डर वार्डर बाका है, वही हमको लगा था वही तैयार कर दूंगा। आप ऑर्डर है, जाकर अंदर देखिए। हाँ, अंदर देखिए ना, चलिए दिखा दें। कितना लंबा काम है, मतलब कितना? है कुल ऑर्डर लगल बा है ना? सब ऑर्डर है, जाएगा चेन्नई है का? चेन्नई जाए कुल, सब चेन्नई जाएगा। है कुल पको के तैयार बा है ना? ये सब रेडी है माल पूरा, इसमें भी है। हाँ, क्या कहाँ बता रहे हैं? अच्छा, एयर भी है। हाँ, ऊपर भी देखिए बंद कर रखा है लाइट। अरे लाइट, अच्छा ये में लाइट है बका? नहीं, हमारे लग के लाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है। चल चल, आ जाए आ जाए। अच्छा हाँ, एहरी हो तो बनल भाई। अच्छा, भगवान बुद्ध के बनल के रखल हो? टाइगर है उधर ऊपर। हाँ, ऊपर टाइगर है तो लायन बनल भाई, लायन टाइगर बाघ ना है, शेर हो। हाँ, एहरियों राधा कृष्ण जी की मूर्ति बाय हर, गणेश जी हो, बुद्ध भगवान बायन है, और एहरियों सब जग वग बनल बाय ना। हाई कुल बोतलों बनल बा का हिंजे? हाँ, पानी पीने के लिए वाटर। हाँ, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आयुष तो टूट गया ना इसी वाला? एक तो सज्जित मिट्टी है ऐसा, आप गिर जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, देखिए बोतल इधर रखा होगा आप सरिया करके। सब बोतल है ना? हाँ, आइए इधर। जी जी जी, आप आए, तनिक खेती बाड़ी काम उन चलता। अच्छा, ये खेती बाड़ी शुरू हो गया तो सब तरह का काम होता रहेगा ना? अच्छा, कहाँ जी, है कुल कहाँ का मालो? ये कलकत्ता से आया है, अभी जाएगा चेन्नई सब। गोदाम देखिए यहाँ बन रहा है। अच्छा, ये मतलब अभी पकल नहीं है कुल हमें से ना? नहीं, ये पके गए अभी, है कुल पकी है भाई। हाँ, पूरा पकने के लिए रेडी हो रहा है सब।
अभी सूख जाएगा तब डालेंगे भट्टी में। ड्राई होना चाहिए ना, थोड़ा ड्राई हो जाएगा तभी ना। ट्रांसपोर्ट में बड़ा दिक्कत होगा, फूटने फाटने का डर रहता होगा। घास के अंदर चावल पूरी पूरी वगैरह लगा, हां वही पूरा कार्टून में पैक होगा। अच्छा सब पुआल लगा लगा के पूरा ट्रक पैक होता है। अमितेश तुम बाइक चल रहे हो थोड़ा, अरे सॉरी अमितेश तो चला गया, जेरी तुम बाइक चल रहे हो थोड़ा ध्यान से। हाँ हाथी, ये वाला हथिया तो बहुत घर में देखने को मिलता है, बहुत सारा घर में ना काला वाला या ब्राउन रंग से रंगा उंगा रहता है, बहुत एक घर में रखा रहता है। ये हरों कुल है यार। चलिए आइए बाहर चलते हैं, उधर भी कमरे में देख लीजिए क्या है। ये हरियो हाँ देख ले, देख ले, देख ले, देख ले भैया, सब गोदामी है, कछुआ पूरा है, कुल कछुआ हो है, टांगे वाला हो ना, झूमर हुआ है ना, इनमें अंदर अंदर लाइट वाइट लगा, लाइट लगा सकते आप। ठीक है आइए चलिए, हाँ हाँ देख ले ली भैया, देख ले ली। हाँ बात नहीं मालूम पड़ता है, नहीं नहीं ऐसे यही बजे अंदर आगे लिए देख ले ली, सही कहला आप दिखाई दे ला, माल बन कर रखा जा रहा है। हाँ। जब इकट्ठा जब होगा चार पांच भट्टी तब भट्टी लगता है। अभी तो नमी है ना, अभी के सूखे में समय लगी तो नहीं। चलिए तो हम लोगों को लगा कि टेरा कोटा का इतना समृद्ध इतना अच्छा काम है तो दिखा लिया जाए। मैं पूर्वांचल का निवासी हूँ तो बार बार जबान पे भोजपुरी आ ही जाती है। बिहार इलेक्शन में भी ऐसा ही होता था मेरे साथ कि भोजपुरी में बोलने ही लगता था। तो इधर भी हो ही रहा है काम और लोग बना रहे हैं देखिए, और पूरा काम हाथ से पानी से, और चाक पे चल रहा है तो छोटी सी लकड़ी और तागे से कटाई और सधाई होती है। हाँ पोखरे से निकलता है मई जून में ना, हाँ मुझे पता है सर, मुझे पता है। चलिए ये बात आप ललन टॉप पे देख रहे थे, मेरे साथ थे जेरी और आयुष। अपना ख्याल रखिएगा, हम कमेंट सेक्शन में सुनना चाहते हैं कि आपको कैसी लगी ये बातचीत। थैंक यू।